उत्तर भारत की ये बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस डिश है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये बहुत ही पौष्टिक होती है, साथ में शरीर को गर्म भी रखती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट में सरसों का साग बनाना बताऊंगी और सेकंड पार्ट में मक्के की रोटी। आज मैं आपको सरसों का साग बनाना बता रही हूँ और कल जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें आपको मैं बताऊंगी कि मक्के की रोटी कैसी बनती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि सरसों का साग कैसे बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सरसों का साग बनाते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पालक, सरसों, बथुआ, मेथी ले लिया है। अगर आपके वहाँ पर पाव के हिसाब से चलता है तो एक पाव पालक, एक पाव सरसों, आधा पाव बथुआ, आधा पाव मेथी, और अगर जुड़ी के हिसाब से चलता है तो 12 जुड़ी पालक, 12 जुड़ी सरसों, 6 जुड़ी बथुआ, 6 जुड़ी मेथी, ये ले लेना है आपको। अब इसका मैं क्या करूँगी, ये जो पीछे का भाग है इसे कट करके इसकी सफाई कर दूँगी। भाजी को मैंने साफ़ कर लिया है और ये जो इसमें जो बथुआ भाजी है इसके पत्ते पत्ते लेने हैं, डंगाल हमको नहीं लेनी है। सभी भाजियों को मैंने बढ़िया से साफ़ कर लिया है। अब इसे मैं 4 से 5 बार पानी से इसे धोऊंगी अच्छे से, ताकि इसमें जो मिट्टी हुई रहे वो निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 4 से 5 बार आपको यहाँ पर भाजी को अच्छे से धो लेना है। धो लिया है, अब इसे मैं थोड़ा थोड़ा ले करके बारीक कट करूँगी। इतना इतना थोड़ा थोड़ा ले लीजिएगा। अगर आपके पास में हसिया है तो आप हसिया से भी काट सकते हैं, मेरे पास चक्कू है तो मैं चक्कू से काट रही हूँ। ऐसे बारीक बारीक काटना है हमको। भाजी मैंने काट लिया है, एक प्याज, 5 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, इसे मैंने काट लिया है, और मिर्ची को ऐसे लंबी लंबी, अदरक ऐसे लंबे लंबे, इसे मैं पीस लूँगी। मिक्सी के जार में मैंने इसे डाल दिया है, अब इसे मैं पीस लूँगी। इस तरीके से मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची को पीस लिया है। एक कुकर लिया है, इसमें मैं आधा गिलास पानी डालूँगी, बारीक काट ली थी उसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें डाल दिया है, अब इसमें जो अदरक लहसुन सबका जो पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। गैस पे मैंने इसे चढ़ा दिया है और मैं इसे सिम में 5 सीटी दूँगी। हो चुकी है और इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, अब इसे मैं खोल के देखती हूँ। हाँ, साग एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट बना है। अब इसे मैं इस मथनी की सहायता से मथ लूँगी, इसे अच्छे से मथ लूँगी मैं। साग को मैंने मथ लिया है, अब मैं सिम में करना है धीमी आंच पे। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच हल्दी और नमक स्वादानुसार, इसे इस मक्खन की सहायता से हिला लेंगे। यहाँ पे मैं मक्का का आटा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास में मक्के का आटा नहीं होगा तो आप इसमें बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे धीरे धीरे मिलाते जाएंगे मक्खन की सहायता से। अगर यहाँ पर आपको तकलीफ आती है कि आप बेसन डाले हैं या मक्के का आटा और उसमें गांठ पड़ने का चांस है, तो आप क्या करिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के घोल लीजिए और उसके बाद में आप डाल दीजिए, तो इसमें गांठे बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। इसे मैं 5 मिनट पकने दूंगी ताकि मेरा मक्के का आटा जो है वो पक जाए। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये इसके स्वाद को बढ़ा देता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, आप इस साग को कम से कम 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप तड़का लगा देंगे और तड़का लगा करके आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो दूसरे दिन ये ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, बिना तड़का लगाए आपको जितना साग अभी खाना है आप उतना निकाल लीजिए तड़का लगाने के लिए, बाकी आप रख दीजिए, तो ये 3 दिन तक के ख़राब नहीं होता है। हमारा साग यहाँ पर तैयार हो चुका है, अब इसे मैं छौंका लगाऊँगी। गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ 1 प्याज, 3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और 5 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। यहाँ पर मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि सरसों के साग में टमाटर डालने से उसका स्वाद जो है बहुत ख़राब हो जाता है। अब आप मेरे को पूछेंगे कि
साग में तो अभी मैं पीस के डाली थी, फिर काहे के लिए मैं डाल रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सरसों का साग बिना तड़के के अधूरा है, और इसके जो तड़का लगाते हैं उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। अब इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डालूँगी। देसी घी मैंने इसमें डाल दिया है। घी मेरा गर्म हो रहा है अभी। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं अदरक लहसुन डालूँगी। तो पहले हम अदरक और लहसुन को फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ा सुनहरा हो जाएगा तब फिर इसमें हम प्याज डालेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, अब इसमें प्याज और हरी मिर्ची डालेंगे और इसे पकाएंगे। पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, इसे सबसे पहले डालना था लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ। आप ऐसा मत कीजिएगा, आप पहले डालिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हींग डालना था मेरे को पहले, तो मैं भूल गई थी। अभी मैं इसमें हींग डाल दे रही हूँ। आप जब बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हींग डालिएगा, उसके बाद में लहसुन अदरक आप डालिएगा। प्याज मेरे फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें साग डालूँगी मैं। अच्छे से हिला लेना है। साग में मैंने थोड़ा सा कम नमक डाला था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और नमक डाल रही हूँ। ये हमारे सरसों का साग बनके तैयार हो चुका है। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। एक बर्तन पे निकाल लिया है। अब लास्ट में एक चीज़ मैं और आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है, इसे मैं गर्म कर रही हूँ। चुका है, इसमें मैंने 2 खड़ी लाल मिर्ची डाल दी है, और यहाँ इसे मैं डाल दूँगी। ये हमारा सरसों का साग बनके तैयार हो गया। मैंने इसमें बटर डाल दिया है। सरसों का साग बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में ये। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, और पास में ही बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलें। कल मैं आपके लिए इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगी, वो है मक्के की रोटी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।